फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अनूठी में कैरेट के बहुत अच्छे रोल्स, जो क्रीम और मलाई से बने होंगे, और मैं आपको वो बनाना दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी अपनी रेसिपी। तो मैंने सबसे पहले 1 लीटर फुल फैट मिल्क पैकेट वाला उबालने के लिए चढ़ा दिया है सिम पर, और वो उबल रहा है और गाढ़ा हो रहा है। और तब तक मीनवाइल मैं ये कैरेट एक कद्दूकस कर लेती हूँ, है ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने कैरेट कद्दूकस कर ली है, ये पूरी 1 कप हुई है, 1 कप ये ग्रेटेड कैरेट है, और मैं इसको अब तैयार करती हूँ, और उधर दूध गाढ़ा हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 लीटर दूध मैंने गाढ़ा होने के लिए चढ़ाया है, और ये गाढ़ा हो रहा है, काफी गाढ़ा होता जा रहा है। इसको हम इतना बस गाढ़ा करेंगे कि ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी में ही होना चाहिए, बिल्कुल थिक कंडेंस मिल्क जैसा हम नहीं करेंगे। तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि कितना गाढ़ा हमें रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 कप कैरेट कद्दूकस करी हुई थी, नापी कर आपको दिखाई थी, और ये 1/2 कप मिल्क है। इसमें मैंने ये कैरेट फ्लेम पर अपनी गैस पे चढ़ा दी है, अभी फुल फ्लेम पर है, और इधर दूध गाढ़ा हो रहा है, वो 1 लीटर दूध, और ये फ्लेम पर ये तब तक हम इसको कैरेट को हम गलाएंगे जब तक ये एक सार ना हो जाए मिल्क में और लिपट ना जाए बिल्कुल। बहुत गाढ़ा भी इसको नहीं करेंगे, इसको इतना रखेंगे कि स्प्रेड करने की इसकी कंसिस्टेंसी रहे। चीनी अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, पहले इसको हम पकने देंगे थोड़ा सा, और जब ये पूरा दूध इसमें लिपट जाएगा इसमें, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने 1 कप पिसी चीनी रखी है, जो इसमें और मिल्क में बारी बारी मैं डालूंगी, बहुत ज्यादा चीनी नहीं डालूंगी। तो 1 कप में मेरी कितनी यूज होती है, कितनी बचती है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो साइड में सारा मिल्क लगता है, इसको आप समेटते जाइए हाथ के हाथ, ये हाथ के हाथ आपको समेटते जाना है, और इसको मैं पकाती भी जा रही हूँ, और हाथ के हाथ इसको मैं समेटती भी जा रही हूँ। इसको हम सूखने का इंतजार नहीं करेंगे, साइड में ये सूख जाता है, और हम इसके सूखने का इंतजार नहीं करेंगे, इसको हाथ के हाथ इसको हम यहाँ से इसको निकालते चलेंगे और इसमें मिलाते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये गाढ़ा हो गया है, बस हमको इतना ही चाहिए, क्योंकि अब चीनी डालेंगे तो ये फिर से थोड़ा पतला होगा। हम इसमें चीनी डालेंगे, मैंने इसमें अभी 2 टेबलस्पून चीनी डाली है, बस ज्यादा नहीं डाली है, क्योंकि ये पतला होगा अभी, और पिसी चीनी डाली है मैंने, सारी चीनी ये मेल्ट हो जाएगी, मैं इसमें और चीनी अभी नहीं डालूंगी, बस 2 टेबलस्पून चीनी मैंने इसमें डाली है, और इसको मैं पका दूंगी। चीनी का जो एक गोला दिख रहा है वो भी अभी मेल्ट हो जाएगा, देखिए हो गया मेल्ट, और इसको हम उबाल लेंगे। अभी मैं गाजर में भी चीनी डाल रही हूं, 1 और 2, इसमें भी मैंने बस 2 टेबलस्पून चीनी डाली है। तो मैंने जो 1 कप चीनी ली थी उसमें से बस 1/2 कप चीनी मेरी यूज हुई है, मैं और चीनी अभी यूज नहीं करूंगी, बेस में जब मेरे को जरूरत होगी तब थोड़ी सी चीनी मेरे को लगेगी, तो वो मैं तब यूज करूंगी। फ्लेम तेज कर दी है मैंने, और ये कैरेट मैं इसमें तब तक पकाऊंगी जब तक चीनी का पानी इसमें सूख नहीं जाएगा। दोनों गैस पर हम काम लगातार कर रहे हैं। इसको देखिए, चीनी मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी भी चीनी की कचांद होगी इसमें, क्योंकि ये बॉयल अभी नहीं हुआ है पूरा। इसको अच्छे से चीनी को इसमें हम पका लेंगे, पिसी चीनी है,
तो उसको मेल्ट होने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं दोनों बर्नर पे एक साथ काम कर रही हूँ क्योंकि इधर कैरेट तैयार हो रही है और इधर ये मिल्क तैयार हो रहा है। इसको हम रबड़ी भी नहीं कह सकते क्योंकि ये एक्चुअली रबड़ी जितना थिक होगा नहीं, और इसको हम क्रीम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें क्रीम मैंने डाली ही नहीं है, लेकिन इसका मजा बिल्कुल रबड़ी और क्रीम के बीच का आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये, बहुत क्रीमी पुडिंग होती है ये। और आप इसको सर्दी में गर्म भी खा सकते हैं, और हल्की गर्मी जब होती है, सर्दी जा रही होती है, आपको कुछ ठंडा खाने का मन करता है तो आप इसको ठंडा भी खा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, बस इसको मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ, हम इसको और गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि चीनी ठंडी होने के बाद थोड़ी थिक होगी। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है मिल्क वाली, और ये पूरा मैं इसमें साइड से समेट लूंगी, और ये कैरेट वाला भी मेरा मिक्सर तैयार होने वाला है, उसको भी मैं, ये देखो ये भी मेरा तकरीबन तैयार हो गया है, और इसको भी मैं एक बोल में निकाल लूंगी। फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको पैन में ही पहले ठंडा करूंगी मैं, और फिर इसको मैं बोल में निकालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाला है, ज्यादा नहीं, बस 7-8 बूंद डाली है। केवड़ा एसेंस से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इसमें अपनी ये देखिए मेरी ये तैयार है मिल्क की रबड़ी जैसी, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पिसी इलायची, बस ज्यादा नहीं डालेंगे, और इनको मैं मिला के रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हंग कर्ड है, ये मैंने 1 कप हंग कर्ड लिया हुआ है, बिल्कुल थिक है। इसमें मैं थोड़ी सी अपनी ये चीनी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इन दोनों चीज़ों में भी चीनी है, तो मैंने इसमें बस 2 टीस्पून चीनी डाली है। चीनी मैं पिसी हुई डाल रही हूँ, आपको दिखाया था मैंने, वो 1 कप मैंने चीनी ली थी बस टोटल, उसमें से ही मैं इनमें चीनी ऐड कर रही हूँ सब में। बस ये देखिए इसमें मैंने ऐसे मिक्स कर दी है, और इसमें भी मैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालूंगी। दही और दूध की चीजों में केवड़ा और रोज का एसेंस बहुत अच्छा लगता है। आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, गुलाब जल से तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है, और ये इस तरह से मेरा ये तैयार है। देखिए क्रीम चीज बिल्कुल तैयार हो गया है, दही से बना हुआ बिल्कुल क्रीम है ये, एकदम क्रीम की तरह है ना। और ये है नारियल का चूरा जो हम अपने प्लेट की बेस में डालेंगे, है ना फ्रेंड्स। ये ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिए हैं, आपको जितने बनाने हैं आप फ्रेश ब्रेड लीजिए इसके साथ, और उसके साइड पीस निकाल दीजिए। इस जो साइड में ये निकलेगा इसकी आप चिंता मत करिएगा, इसको हम ब्रेड पोहा या किसी भी उसमें कटलेट्स में यूज कर लेते हैं, है ना। तो इसके लिए इनको हम एक अलग रखते जाएंगे, और इनको हम मिक्सी में चला करके पाउडर करके रख लेंगे। ये स्लाइसेस मैं ऐसे कट करके रख रही हूँ, इनको मैं बेलन से अभी सबको इवन कर लूंगी। आप कोशिश करिए कि इस तरह की ब्रेड ना लीजिए क्योंकि फिर ये स्लाइस छोटा हो जाता है, कट इतना स्लाइस आपका निकल जाएगा। फ्रेंड्स, हम सारे स्लाइसेस इस तरह से बेल लेंगे बेलन से अच्छे से, इनके किनारे हम पतले कर लेंगे, और ये बेलने से बिल्कुल पतली हो जाएगी, और इस तरह से मैं इनको सबको एक जगह रखती जा रही हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, जो एक कप में से मेरा चीनी का पाउडर बचा था, पिसी चीनी का, तो मुश्किल से एक टेबलस्पून बचा था वो, तो उसमें मैंने ये हाफ कप कोकोनट पाउडर मिला दिया है। और इसको मैं अपनी प्लेट के इसमें बेस में इसको मैं डाल दूंगी। ये जो चीनी की रोड़ियां आ रही हैं, इनको हम दबा देंगे हाथ से बीच बीच में। इसको इवनली हमें पूरे में ऐसे फैला देना है। इसको मैं स्पून से चारों तरफ एक साथ कर दूंगी। कोकोनट की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। देखिए रबड़ी की कंसिस्टेंसी हमको ऐसी चाहिए ड्रिपिंग, ये देखिए, ना ये गाढ़ी है ना ये पतली है, बिल्कुल ऐसे है ना। अब हम अपने स्लाइस को एक एक को उठाएंगे और इसमें ये हम जो हंग कर्ड का हमारा है क्रीम चीज, इसको हम ऐसे एक एक स्लाइस में ऐसे लगा लेंगे। और इसके ऊपर मैं ये कैरेट का थोड़ा सा ये बैटर ऐसे मैं इस पे इवनली स्प्रेड कर दूंगी। इसको मैं ऐसे इवनली स्प्रेड कर दूंगी और मैं इसको इसके ऊपर अरेंज कर दूंगी इस तरह। ये ब्रेड आपकी कर्ड से, शुगर से और कैरेट से मॉइस्ट हो जाएगी। अभी इसी तरह मैं बाकी के स्लाइसेस लगा दूं। फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेयर हो गई। आप चाहे तो इसके ऊपर ऐसे ही रबड़ी डालकर सर्व कर सकते हैं और सब कट करके अपना पीस ले सकते हैं, और या फिर आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ये इस तरह से एक रोल हो गया, फिर ये दूसरा रोल हो गया, और ये आपका बहुत इजीली ये रोल हो जाते हैं, क्योंकि ये क्रीम चीज से, जो मैंने दही का क्रीम चीज बनाया है उससे ये बहुत टेंडर हो जाते हैं, और इसमें ये बहुत अच्छा अरोमा इसका आता है कोकोनट का। और आप इस तरह से इसको अपने क्रीम रोल्स को या आप मिल्क कैरेट रोल्स को आप ऐसे सर्व कर सकते हैं। और टिश्यू से हम ये किनारे
साफ कर देंगे या हम दूसरी प्लेट पे भी इनको हम सर्व कर सकते हैं। आप सर्विंग प्लेट में ऐसे रखिए और बहुत इजीली ये उठ जाते हैं। इसी तरह से मैं अपने बाकी रोल्स बनाऊंगी। मेरे जो टोटल बैटर मैंने बनाया है सामान है उसमें मेरे 6 रोल्स ऐसे बन रहे हैं, है ना। तो ये देखिए मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत इजीली ऐसे रोल ये हाथ में आ जाता है और प्लेट में आप सर्व कर सकते हैं और कट करके आप इसको खिला सकते हैं। ये देखिए बहुत इजीली ये कट हो जाता है। ये देखिए इसको हम बादाम काजू से भी इसको हम गार्निश करेंगे। ये मैंने काजू डाला है। आप चाहें तो इसमें पिस्ता और चिरौंजी भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आप चाहे तो डाल सकते हैं इसमें पिस्ता चिरौंजी भी, क्योंकि मिल्क के आप कोई भी पुडिंग बनाते हैं उसमें अच्छा लगता है। देखिए बहुत बढ़िया सुंदर और टेस्टी ये मिठाई होती है। तो आप बनाइए और सर्व करिए सबको। आप एंजॉय करिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।